नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे बड़ी खबर का। जालौन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जालौन के उरई तहसील के कैथेरी गाँव में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और इसके साथ ही 29 फरवरी 2020 को शिलान्यास किया गया था। लगभग 14,850 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया। चित्रकूट के भरतकूप से इटावा के कुदरैल तक ये एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से इसको जोड़ा गया है। और इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 7 जिलों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के साथ ही एक जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे। रिकॉर्ड समय और अनुमानित लागत से कम खर्च में बने इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने से चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर के साथ जालौन के लोगों के लिए दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 250 से ज्यादा छोटे पुल बनाए गए हैं, 15 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाए गए हैं, 6 टोल प्लाजा होंगे और 12 से ज्यादा बड़े पुलों का निर्माण किया गया है, जबकि 4 रेल पुल भी बनाए गए हैं। 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस की सुविधा इस एक्सप्रेसवे पर मुहैया कराई जाएगी। तो बुंदेलखंड में विकास की सुपर स्पीड 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में कुल 4 लेन हैं और इसके साथ ही 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। वहीं 28 महीने के भीतर पूरा कर लिया गया है काम। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के बनने की यूपी के 7 जिलों को फायदा होगा और एक्सप्रेसवे पर 266 से ज्यादा छोटे पुल बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 18 फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा और 14 बड़े पुलों के साथ 4 रेल पुल भी इस एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों को खास लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र को सड़क मार्ग के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने में आसानी होगी। 296 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है और 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है और इसका जो समय है वो 28 महीनों के अंदर इस निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यूपी के लिए आज बड़ा दिन है और बड़ी सौगात है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने आप में आज बनकर तैयार हो गया और आज जनता को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। 11:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री सब मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं ये बड़ा दिन है आर्थिक क्षेत्र से लेकर। आर्थिक क्षेत्र के लिए काफ़ी बुंदेलखंड काफ़ी पीछे पिछड़ा एरिया में आता है, तो कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसमें कनेक्टिविटी बनेगी, कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 जिलों को जोड़ता है ये और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली जाने के लिए और आपको कई जिलों में जाने के लिए कनेक्टिविटी होगी। जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास होगा, रोजगार के सृजन होंगे और एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये 13वां एक्सप्रेसवे है। 7 एक्सप्रेसवे जो है जनता को मिल चुके। यूपी पहला राज्य बन गया है जहां पर इतने एक्सप्रेसवे हैं। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और डबल इंजन की सरकार ने जो करके दिखाया, जो लोग सोचते थे केवल कि यूपी में सबसे कम एक्सप्रेसवे थे, आज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं। 7 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो चल रहे हैं और जो और पे काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आज बड़ा दिन है और आर्थिक क्षेत्रों के लिए और जिस तरीके से रोजगार का भी सृजन होगा इस एक्सप्रेसवे में, तो कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि जो और एक्सप्रेसवे हैं वो कब बन के तैयार होते हैं और कब जनता को समर्पित होते हैं। जी सिद्धार्थ, क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब से कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, क्योंकि 11 बजे का समय निर्धारित था।
देखिए 10 से 15 मिनट बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे और उसका कहीं ना कहीं उसके बाद ये जनता को समर्पित हो जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण आज जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा सामाजिक विकास आर्थिक विकास के लिए ये जो है ये एक्सप्रेस वे है, ये सामाजिक विकास भी करेगा आर्थिक विकास भी करेगा, कहीं ना कहीं ये डबल इंजन की सरकार का तोहफा है जनता को। तो आप समझ सकते हैं, जब आप पहले बुंदेलखंड एक पिछड़े इलाकों में आता था तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये जो ये इलाका होगा इसमें काफ़ी रोजगार के सृजन होंगे और कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दिल्ली से आप सीधे जुड़ जाएगा, झांसी इटावा मैनपुरी इन सब 7 जिलों को ये जोड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये इसमें 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाएगी और जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है उसको भी 24 घंटे। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप पे अत्याधुनिक होगा, जो लोग ड्रीम प्रोजेक्ट था वो आज पूरा हो गया और समय भी कम लगा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है लागत, जो अनुमानित लागत है उससे भी कम जो लागत थी उसमें पूरा कर लिया गया है। तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जनता को समर्पित होगा और कल से लोग इस पे चलने लगेंगे। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन जिस तरीके से अगर बुंदेलखंड क्षेत्र का पूरा जिक्र करें तो पिछड़ों में ये क्षेत्र गिना जाता था कि दरअसल ये पूरा इलाका जो है वो पिछड़ा हुआ है। क्या अब इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल, सर्वांगीण विकास की बात करें, जब देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, सड़कें अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो आपको रोजगार के सृजन होंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आर्थिक स्थिति में इससे सुदृढ़ होंगी और सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा आर्थिक सुदृढ़ होने का कारक बनेगा सामाजिक कारक बनेगा। तो कहीं ना कहीं विकास की एक अलग गाथा ही लिखेगा एक्सप्रेस वे। और जहाँ जहाँ एक्सप्रेस बने वे बने वहाँ पर रोजगार के सृजन हुए, जो पॉइंट बने वहाँ पर सृजन हुआ है। और जो पहले जो सामान लाने में लोगों को देरी होती थी, आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लें, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आने जाने में काफ़ी कम समय लगेगा। लोग जो गाँव के क्षेत्र हैं अब लोग शहर से जुड़ेंगे और पढ़ कर अपने घर वापस आएंगे। तो इससे भी और जो स्वास्थ्य सुविधाएँ उनसे कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण कारक हो, कनेक्टिविटी जो होती है वो किसी एक्सप्रेस वे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होती है उतना ही विकास होता है उस क्षेत्र का, आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी और हर तरीके से। और कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार ने इसको करके दिखाया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहा, खुद मुख्यमंत्री लगातार इसको देखते रहे, एसीएस लगातार दौरे करते रहे, एसीएस जो एसीएस और तभी यह संभव हो पाया कि जो लागत थी उस लागत से कम बजट में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया और समय से पूर्व ही इसका पूरा खाका जो तैयार किया गया है, इस समय से पूर्व ही इसका निर्माण कर लिया गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। और रुख करेंगे अब उत्तराखंड का, जहां पर पूर्व आईएएस रामविलास यादव के पत्नी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंची थी पूर्व आईएएस की पत्नी। विजिलेंस ने भी जांच के लिए आईएएस की पत्नी को नोटिस भेजा है, तो विजिलेंस ने भी नोटिस भेजा है जांच में सहयोग न देने के लिए। जल्द हो सकती है आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई दी गई थी। पूर्व आईएएस अधिकारी ने सभी मामलों में अपनी पत्नी को जानकारी होने की बात कही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से ये कहा जाए कि पूर्व आईएएस रामविलास यादव की पत्नी ने जो हाईकोर्ट का रुख किया था राहत के लिए, अपने बचाव के लिए, अब जिस तरीके से उन्हें वहां राहत मिलती नजर नहीं आई है, अगला कदम क्या होगा, उनकी पत्नी की तरफ से क्या कुछ बताया गया? बिल्कुल, अगर अब भी आईएएस अधिकारी की पत्नी जो कुशल रामविलास यादव है, अगर अब भी जांच में सहयोग नहीं करती है विजिलेंस को, तो फिर सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि जल्द ही विजिलेंस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी यहां पर कर ली जाएगी। क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव
आपसे जब बिजनेस में पूछताछ की थी तो उनके पूछताछ के सवालों में ज्यादातर सवालों का जवाब उनकी पत्नी से पूछने के लिए उनकी तरफ से आग्रह यहाँ पर किया गया था। राम पूर्व आई एस अधिकारी ने साफ तौर पर कहा था कि जिस संपत्तियों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे वो उनके निजी गांव में बने हुए भवन का हो या फिर स्कूल से संबंधित मामले हो या फिर दूसरी जो आई एस अधिक संपत्तियों के मामले में जानकारी है, वो उनकी उन सभी विषयों की जानकारी उनसे ज्यादा उनकी पत्नी को मालूम है। ऐसे में बिजनेस की तरफ से पूर्व में उनको कई बार नोटिस यहाँ पर दिए गए पूछताछ के लिए, जांच में सहयोग करने के लिए, लेकिन अभी तक एक बार भी पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी बिजनेस के पास जांच के लिए नहीं पहुंची है और ना ही उन्होंने कोई अपने बयान दर्ज यहां पर करवाए हैं। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब जल्द ही बिजनेस की तरफ से जो अगला कदम होगा वो पूर्व आईएएस की पत्नी कुसुम रामविलास यादव को गिरफ्तार करने का होगा और उसमें जल्द ही ये कह सकते हैं कि बिजनेस अपनी तैयारी कर भी रहा है और इन सब चीजों को लेकर जल्द ही आगे नया मोड भी देखने को मिल सकता है। इतना जरूर कहा जा सकता है हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब पूछताछ में सहयोग करने के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी बिजनेस को अपने बयान दर्ज यहां पर करवा सकती है, लेकिन अभी उसकी तिथि यहां पर उसकी तिथि की स्पष्ट जानकारी यहां पर नहीं मिल पाई, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बिजनेस का जो शिकंजा है वो लगातार यहां पर कसा हुआ नजर आ रहा है और पूर्व आईएएस अधिकारी की जो मुश्किलें हैं वो और वकील नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सर जानकारी देने के लिए। अब और उधर झारखंड कैबिनेट की बैठक में पुराने पेंशन योजना लागू किए जाने की स्वीकृति मिलने पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोरदार स्वागत किया है। वहीं हेमंत सोरेन ने इस पर कहा है कि सरकार अपना काम कर रही है। बहुत सारी चीजें हैं, ये सरकार जनता के लिए है जी, राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के लिए है जी, आरक्षण चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी पैसा करते हो, चाहे पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हो, चाहे खेल कूद करने वाले खिलाड़ी हो, किस क्षेत्र में सरकार निर्णय नहीं ले रही है। आज देखिए, आज राज्य की बच्चियां दुनिया में अपना खेल का हुनर दिखा रही हैं। आज ये सरकार राज्य की जनता और सामाजिक सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो। वहीं योगी सरकार लखनऊ में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएगी। मलिहाबाद में 1,000 एकड़ जमीन पर यह पार्क का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपए की मदद भी करेगी। पार्क बनने से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा बताया जा रहा है। वहीं लखनऊ के हरदोई रोड पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। तो मलिहाबाद में 1,000 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा और इस पार्क के निर्माण में केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपए की सहायता करेगी। वहीं पार्क बनने से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लखनऊ के हरदोई रोड पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तो योगी सरकार लखनऊ में अब मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण करवाएगी और यह मेगा टेक्सटाइल पार्क मलिहाबाद में 1,000 एकड़ जमीन पर बनेगा। वहीं मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण में केंद्र सरकार भी 1,000 करोड़ रुपए की मदद करेगी और पार्क बनने से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और उधर बिजनौर में भीषण गर्मी के चलते पिछले 4 दिनों से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को न बदले जाने को लेकर जनता ने हंगामा किया है। बता दें कि बिजली किल्लत से परेशान इलाके के लोग विधायक तस्लीम अहमद और चेयरमैन के घर पहुंचे थे और इसके साथ ही घर का घेराव करते हुए हंगामा किया। ये पूरा मामला बिजनौर के मजीबाबाद शहर का है, जहाँ लोगों ने खराब पड़े ट्रांसफार्मर को न बदले जाने को लेकर हंगामा किया और इसके साथ ही घेराव किया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जहीर अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जहीर, विधायक के घर का घेराव किया गया बिजली को लेकर के, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर के नजीबाबाद इलाके का मामला है, जहां पर पिछले कई दिन से बिजली विभाग की लापरवाही के चलते जो लोग हैं गर्मी में रहने को बिना बिजली के परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि चार दिन से उनका ट्रांसफार्मर खराब है, लोड अधिक है, ट्रांसफार्मर कम छोटा रखा हुआ है, जिससे लगातार बिजली की दिक्कत आ रही है। कई बार शिकायत के बाद भी बिजली विभाग ने कार्रवाई नहीं की, तो रात नाराज होकर के सैकड़ों लोग इलाके इकट्ठा हुए और विधायक तस्लीम अहमद, जो समाजवादी पार्टी के 3 बार से विधायक हैं, उनके घर पर जाकर के चढ़ाई कर दी, फिर घर के घेराव कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, विधायक बाद में निकल के बाहर आए और काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझा करके शांत किया और जल्द ही इस ट्रांसफार्मर को बदलाए जाने का आश्वासन दिया। जी बिल्कुल जाहिर, लेकिन जिस तरीके से विधायक के घर का घेराव किया गया, विधायक ने क्या आश्वासन दिया कि जिस तरीके से किल्लत रहती है बिजली की लगातार, वैसे में आगे भविष्य को लेकर के क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए विधायक तस्लीम अहमद का कहना है कि उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया और कह दिया गया है कि 2 घंटे या 4 घंटे के अंदर जो है ट्रांसफार्मर उनका फिलहाल बिजली सप्लाई चालू कर दी है, और जो छोटा ट्रांसफार्मर रखा है उसको भी बड़ा बदलवाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वो भी जल्द जल्द बदला जाएगा। और विधायक का तस्लीम अहमद का कहना है कि लगभग 1 या 2 दिन के अंदर ये पूरी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए जहीर। और रुख करेंगे अब मुरादाबाद का, जहां पर मामूली कहा सुनी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में घायल पीड़ित ने थाने में शिकायत की, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, पीड़ित ने पुलिस से इंसाफ की गुहार भी लगाई। पानी डालने के विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। मुगलपुरा थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो मामूली कहा सुनी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। मुरादाबाद से एक खबर सामने आई है, जहां पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल पानी डालने के विवाद को लेकर के मारपीट शुरू हुई और मारपीट खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई और मामला थाने जा पहुंचा, तो अब पुलिस की टीम मामले की जांच की बात कह रही है। और उधर रायबरेली में महिला की आंखों में मिर्च झोंक कर लूटपाट को अंजाम दिया गया। बता दें कि मंदिर के पुजारी की पत्नी से लूटपाट की गई। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, आंख में मिर्ची डालकर सोने की चैन लूट ली और फिलहाल गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर CO महिपाल पाठक ने घटना स्थल का बारीकी से जांच किया और आसपास के लोगों से पूछताछ से भी पुलिस कर रही है। बदमाशों की धरपकड़ करने के लिए हाईवे पर पुलिस गश्त कर रही है। जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में बदमाश होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये पूरा मामला लालगंज क्षेत्र के एहार गांव के पास का बताया जा रहा है। जो बालेश्वर मंदिर के पुजारी हैं झिलमिल महाराज, उनकी पत्नी गायब को चोटी देने जा रही थी, घर से मात्र 10 मीटर की दूरी थी, वहीं पर जा रही थी, उसी समय की ये घटना बताई जा रही है। वहाँ पर मैं भी इंस्पेक्टर से भी मौका मुआयना किया, पंडित जी से भी बात की है, तहरीर दे रहे हैं बताई तो है। इसके पूर्व भी हम जब मंदिर से मैं घर गया तब तक यहाँ घटना घट चुकी थी कि मेरी पत्नी घर से निकल करके दरवाजे के बाहर आने दरवाजे पर वहाँ पर 2 बदमाश आए, आकर के एक ने असलाह लगा दिया इनको और दूसरे ने अपने हाथ में मिर्च लेकर इनकी आंखों में झोंक दिया और इनके गले में जो आभूषण पहने हुए थी वो लेकर के भग गए। कितने के आभूषण थे? क्या लगभग 1.25 लाख कीमत के जंजीर थी और उसको लेकर भग गए। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? तुरंत 112 नंबर पर डायल किया कोतवाल साहब और सारा लालगंज कोतवाली का थाना प्रभारी सारे मैं फोर्स के हाजिर हुए।
आकर के वहां पर रोक करेंगे कानपुर का, जहां पर विशेष विमान से चकेरी एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने चकेरी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। सेना के हेलीकॉप्टर से जालौन के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। तो चकेरी एयरपोर्ट पर विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने उनका जोरदार स्वागत किया और अब वो आगे जालौन के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट से जालौन के लिए रवाना हो चुके हैं। कानपुर चकेरी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और इसके साथ ही सतीश महाना भी इस दौरान मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के दौरान मौजूद रहे हैं और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहां से अब वो जालौन के लिए सेना के विमान से रवाना हो चुके हैं। उधर ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि धान के खेत में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला है, तो वहीं परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है और बताया है कि 6 दिन पहले धान के खेत में शव मिला था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर मृतक के परिवार ने नाराजगी जताई है। तो परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। इसके साथ ही 6 दिन पहले शव मिला है और परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया कि दरअसल धान के खेत में प्रॉपर्टी डीलर के शव मिलने के बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। नितिन, धान के खेत में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला है, परिजनों का आरोप भी है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई अब तक। ये देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले जो है ना प्रॉपर्टी डीलर को जो शव था वो एक धान के खेत में मिला हुआ पड़ा हुआ मिला था, तो उस पर शक जताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनकी जो है इनको मार दिया गया, तो उसी को लेकर जो परिवार वाले हैं वो आज जो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं थाने के अंदर। उन्होंने घेराव भी करा, 6 दिन से ज्यादा हो गए, तो उसी को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार 6 दिन से ज्यादा होने के कारण ये बताया जा रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से सब खेत में मिला था उसको लेकर किसी प्रकार की जो उनके साथ में जो अज्ञात थे या कौन थे उन्होंने जो है साफ कर दिया कि आखिरकार पुलिस 6 दिन से ज्यादा हो गए तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, तो उसी को लेकर आज जो परिवार वाले हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, लेकिन पुलिस की टीम की तरफ से क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, अभी हमारी डीसीपी जो है हरिचंद जी, उनसे भी बात हुई थी, तो उनका यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को खोल दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी जो आरोपी है उनको पकड़ लिया जाएगा, उसके जो आरोपी को जो इनका नाम गई जो बताया जाए कि गाँव के भी लोग उसमें बताए जा रहे हैं कि आखिरकार गाँव के भी लोग हो सकते हैं, उसके जो साथी थे उनसे भी पूछताछ की जा रही थी, जिसके साथ में वो रात के टाइम बैठे थे, जिन जिन लोगों से उनकी मुलाकात की गई हो रही थी, तो उनसे भी जो है बातचीत की जा रही, पुलिस पूरे मामले में छानबीन करने में लगी कि आखिरकार जल्दी जल्दी इस मामले। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सर जानकारी देने के लिए। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली सृजन की धरा, विभिन्न संस्कृतियों की संगम स्थली, उत्तर प्रदेश की क्रांति भूमि पर नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।
नमस्कार।